क्या ले भाई लोग, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और ये वीडियो में बिटकॉइन को लेके अपडेट है, ऑल्ट कॉइन को लेके अपडेट है, एनएफटीज को लेके अपडेट है। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली अगर आप पॉलीगॉन होल्डर हो, अगर मैटिक होल्डर हो तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। यहाँ पे मैटिक बर्न होना चालू हो गया, और कोई भी जब टोकन बर्न होना चालू होता है तो उसकी वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म बहुत बढ़ जाती है। तो ये मैटिक की अपडेट कवर करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट। सो मार्केट, आपको पता है कि मतलब 2 हफ्ते पहले काफ़ी नेगेटिविटी थी, बिटकॉइन 35-36 के आसपास गिर गया था, इथेरियम 3000 के नीचे चला गया था, बट लास्ट वीक जो है काफ़ी अच्छा रहा है। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे बुलिश मोमेंटम फिर से दिख रहा है, पॉजिटिविटी फिर से दिख रही है। बिटकॉइन 44 पे आ गया, इथेरियम 3000 के ऊपर आ गया, बाइनांस 400 प्लस ट्रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे जो बेरिश सेंटीमेंट बन गया था वो हट गया है कहीं ना कहीं, और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन इवन बिटकॉइन यहाँ पे ग्रीन में डबल फिगर में दिखाई दे रहे हैं। सो That is about the market. Now, first of all, हम लोग पॉलीगॉन के बात करेंगे, but let's talk about this Bitcoin. So, Bitcoin में अगर आपने recently ये देखा होगा कि the US government holds 3.6 billions of Bitcoins. So, basically, US government ने के पास around कितने Bitcoins? Around, let's see, 119,754 Bitcoin होल्ड कर रही है US government, okay? तो ये न्यूज़ अभी रिसेंटली आई है, और ये बेसिकली आई कहाँ से? क्योंकि 2016 में बिटफिनिक्स करके एक एक्सचेंज था, तो हैक हो गया था, राइट? और बेसिकली यहाँ पे US government ने ये जो Bitcoins जो हैक हो गए थे उनको सीज़ किया गया है। तो अब US government के पास होल्ड कर दिया। एंड ऑफकोर्स ये Bitcoin की वैल्यू 2016 में तो बहुत ही कम थी, बट अगर आज की डेट में देखोगे तो ये अराउंड 3.6 बिलियन के आसपास आ रहा है इसकी वैल्यूएशन, जो 120,000 बिटकॉइन आ रहा है, राइट? और इसीलिए सब लोग यहाँ पे ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं कि द यूएस गवर्नमेंट होल्ड्स मोर बिटकॉइन दैन टेस्ला, एंड सो दिस इज ट्रू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूएस गवर्नमेंट ने ये बिटकॉइन बाइंग नहीं किया है, बट आई डोंट थिंक दे विल। ऑफकोर्स इसके पहले बिटकॉइन यूएस गवर्नमेंट ने सेल भी किया था, ओके? सो माउंट कॉक्स में एक बार जब हैक हुआ था, आई थिंक नहीं, सिल्क रोड का इंसिडेंट था, एनीवे ये बहुत पुराना इंसिडेंट है, जहाँ पे यूएस गवर्नमेंट ने ऑक्शन किया था बिटकॉइन, राइट? सो वी विल हैव टू सी कि यूएस गवर्नमेंट अब करती क्या है, कि ये बिटकॉइन जो है 119,000 ये लोग होल्ड करते हैं या इसका ऑक्शन करते हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम एक बार ऑक्शन किया था, राइट? बट द बॉटम लाइन इज, जैसे कि माइक्रो स्ट्रैटेजी के ट्रेजरीज में बिटकॉइन है, जैसे कि टेस्ला के ट्रेजरीज में बिटकॉइन है, जैसे कि स्क्वायर के ट्रेजरीज में बिटकॉइन है, राइट? सो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके ट्रेजरीज में बिटकॉइन है, राइट? सो माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास 125,000 बिटकॉइन है, टेस्ला के पास 43,000 बिटकॉइन है, राइट? नाउ अगर आप देखोगे तो यूएस ट्रेजरी में टेस्ला से भी ज़्यादा बिटकॉइन है, राइट? अगर लोग होल्ड करते हैं तो यूएस गवर्नमेंट के पास। सो दिस इज एक्चुअली अ बिग न्यूज़, और यही ये लोग सब लोग ट्वीट कर रहे हैं कि बॉस यूएस गवर्नमेंट होल्ड्स मोर बिटकॉइन, बिकॉज यूएस गवर्नमेंट ने बाय नहीं किया है, बट दे जस्ट यू नो इन्होंने क्या किया, जो हैकर था उनसे इन्होंने सीज किया है। सो बट लेट्स सी अगेन, जैसे मैंने बताया कि इट विल बी गुड अगर यूएस गवर्नमेंट अगर उसको होल्ड करती है। नाउ दूसरी चीज़ ये यहाँ पे कि दैट इज़ नॉट जस्ट द यूएस गवर्नमेंट, यहाँ पे KPMG करके एक कंपनी है, ऑडिट फोर, सो फोर बिगेस्ट फॉर्म है, ऑडिट फॉर्म है अराउंड द वर्ल्ड, KPMG, डिलॉइट, अर्नस्ट एंड यंग एंड PwC। सो ये जो ऑडिट कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑडिट करते हैं, अकाउंट्स देखते हैं, और उसमें से जो KPMG है, KPMG ने बिटकॉइन और इथेरियम ऐड किया है अपने बैलेंस शीट में, अपने ट्रेजरीज में। तो बेसिकली इनका भी नाम अब यहाँ पे KPMG में, बहुत KPMG भी आपको इस लिस्ट में दिखाई देगा। ये जो लिस्ट है ना, ये कंपनीज की लिस्ट है, एंड डिपेंडिंग ऑन कि इनके होल्डिंग क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे टॉप होल्डिंग MicroStrategy की यहाँ पे है, तो वो हिसाब से। तो इन्होंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है KPMG ने कि इन्होंने कितना बिटकॉइन बाइंग किया और कितना इथेरियम बाइंग किया है, बट आई एम श्योर कि इनकी भी यहाँ पे लिस्ट में बहुत ही जल्दी यहाँ पे नाम आ जाएगा, क्योंकि ये कंपनीज को डिस्क्लोज करना पड़ता है कि उन्होंने कितना बिटकॉइन बाइंग किया है। तो KPMG ने बिटकॉइन भी बाइंग किया और इथेरियम भी बाइंग किया है। तो पर्सनली मैं इथेरियम पे ज़्यादा बुलिश हूँ कंपेयर टू बिटकॉइन, बिकॉज बहुत सारा NFT स्पेस आपको दिख ही रहा है कि सब इथेरियम पे बन रहा है। सो इथेरियम डेफिनेटली इज मोर बुलिश, एंड यू नो बहुत सारी कंपनीज ने अभी तक बिटकॉइन होल्ड किया है, बट बहुत ही जल्दी वो लोग इथेरियम भी बाइंग करके अपने ट्रेजरीज में होल्ड करना चालू करेंगे। तो आई डू थिंक अगेन दैट इथेरियम बहुत ही अंडर प्राइस्ड है फिलहाल। सो यस, मैंने ट्वीट किया था कि बेसिकली नेक्स्ट बिग फोर PwC, डिलॉइट, अर्नस्ट एंड यंग, सो बेसिकली ये दो तीनों कंपनीज हैं, वो भी बहुत जल्दी ही अपने ट्रेजरीज में बिटकॉइन बाइंग करने लगेंगे। मैटिक की क्या न्यूज़ है, पॉलीगॉन मैटिक की? इट्स अ बिग न्यूज़, दो बड़ी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात, आपने एक
इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि इनको 450 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला है. ओके, सो दे रेज अबाउट 450 मिलियन. सो बेसिकली जो 450 मिलियन का इन्होंने फंडिंग इन्होंने रेज किया है, ये सब मैटिक टोकन में. सो बेसिकली जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनको मैटिक टोकन दिया गया होल्डिंग के लिए. और ये कंपनीज क्या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, सिकोया कैपिटल. सो सिकोया बहुत ही बड़ी फॉर्म है इन्वेस्टमेंट के लिए. सॉफ्ट बैंक, गैलेक्सी डिजिटल, गैलेक्सी इंटरैक्टिव, टाइगर ग्लोबल, रिपब्लिक कैपिटल. सो बेसिकली यहाँ से इन्होंने 450 मिलियन इन्होंने रेज किया है. और इन अब ये जो कंपनीज हैं, ये जो VCs हैं, इनके पास भी मैटिक टोकन, ये लोग भी मैटिक टोकन होल्डल करते हैं अलॉन्ग विथ यू. तो आई थिंक एज अ मैटिक होल्डर, अगर आप मैटिक होल्डल करते हो तो ये बहुत ही प्राउड चीज़ है कि आपके पास भी वही एसेट है जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी होल्ड कर रही हैं और अभी भी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जबकि आपने बहुत पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया और ये बड़ी बड़ी कंपनीज आज इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं. तो जो दूसरी पॉलीगॉन के लिए बहुत बड़ी अपडेट है जो काफ़ी लोगों ने बात नहीं किया इज ये EIP 1559. तो जनवरी 17 के आसपास इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग ने EIP 1559 अप्लाई कर दिया है. तो EIP 1559 क्या है, बेसिकली एक अपग्रेड है, एक जहाँ पे एक हर एक ट्रांजैक्शन से एक मैटिक बर्न होगा, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस जो मैटिक में होगी वो बर्न होगी. नाउ सेम चीज़ जो इथेरियम पे हुई थी, तो इथेरियम पे भी 1559 अपग्रेड हुआ था, जहाँ पे इथेरियम ऑलरेडी बर्न हो रहा है. आपको आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना इथेरियम यहाँ पे बर्न हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई इथेरियम और भी ज़्यादा बुलिश हो गया, क्योंकि सोचो कि हर एक ट्रांजेक्शन से इथेरियम बर्न हो रहा है. और इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो यहाँ पे बनाई थी कि बुलिश फॉर इथेरियम, EIP 1559 अपग्रेड क्या है, तो ये आप देख सकते हो. बट इन शॉर्ट ये जो अपग्रेड हुआ है ये 17 जनवरी को मैटिक पे, इसके बाद अब हर एक ट्रांजेक्शन्स में मैटिक भी बर्न होना चालू हो गया है, राइट. सो एवरी ट्रांजेक्शन्स में मैटिक बर्न हो रहा है. और जब से इन्होंने ये चालू किया अपग्रेड, मतलब 17th of January से, अब तक 54 आप यहाँ पे देख सकते हो कितना है, अराउंड 546,000 समथिंग मैटिक ऑलरेडी बर्न हो चुका है, राइट. अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो अराउंड कुछ 546,000 मैटिक कैलकुलेट करो तो अराउंड 1 मिलियन मैटिक के आसपास यहाँ पे बर्न ऑलरेडी हो चुका है. सो दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ अगर आप पॉलीगॉन होल्डर हो, मैटिक होल्डर हो, बिकॉज यहाँ पे भी अब डिफ्लेशन चालू हो गया है, क्योंकि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे यहाँ पे पॉलीगॉन मैटिक यहाँ पे बर्न हो रहा है, मतलब यहाँ पे सप्लाई कम हो रही है. सो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है जो काफ़ी लोगों ने बात नहीं किया है, काफ़ी लोगों को अभी आई थिंक पता भी नहीं है. काफ़ी लोग ने इथेरियम की 1559 के बारे में बात किया, बट मैटिक के बारे में किसी ने बात नहीं किया. और ये भी मुझे अचानक मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ अपग्रेड मैटिक पे भी हुआ है. तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है. अगर आप मैटिक होल्डर हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, अमेजिंग. जो दूसरी NFT के ऊपर कुछ न्यूज़ है, कुछ अपडेट्स है, तो आपको पता है कि 8 मार्च जो है वो विमेंस डे है, इंटरनेशनल विमेंस डे है. और यहाँ पे जो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं, NFT प्रोजेक्ट हैं, वो विमेन फोकस्ड हैं. ओके, सो उसमें से एक है बॉस ब्यूटीज़. ओके, सो यहाँ पे बॉस ब्यूटीज़ करके एक प्रोजेक्ट है जिसका फ्लोर प्राइस मिनिमम 2.35 इथेरियम का मिनिमम इसका एक NFT बिक रहा है. तो यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि UN जो यूनाइटेड नेशन है टू ऐड NFT ट्विस्ट टू वुमेन एम्पावरमेंट मैसेज विद बॉस ब्यूटीज रोल मॉडल. सो बेसिकली यूनाइटेड नेशन बॉस ब्यूटी ने बोला है कि वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट द बॉस ब्यूटीज विल बी द फर्स्ट NFT एवर टू बी ऑन डिस्प्ले ऑन द एट द यूनाइटेड नेशन. सो यूनाइटेड नेशन इज गुड टू सी की दैट यूनाइटेड नेशन जैसा एस्टेब्लिशमेंट भी NFTs को रिकग्नाइज कर रहा है, राइट. बिकॉज ये जो NFT प्रोजेक्ट है इट इज मोस्टली towards women empowerment. Okay, so बहुत सारे I think 10 से 12 women focused NFT projects already हैं. उसमें से एक आपको पता ही है, वर्ल्ड ऑफ वीमेन, जिसको मैंने कवर किया था जब आई थिंक 1.5 या 2 इथेरियम के आसपास था और मैंने मिस आउट कर दिया ये रहा. बट एनी वे द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि जैसे वीमेंस डे आ रहा है तो बहुत सारे NFT प्रोजेक्ट जो वीमेन फोकस्ड हैं, हो सकता है उसमें पंप हम लोग को देखने को मिले. एंड बाय द वे और एक प्रोजेक्ट है जो आई थिंक वेमेंस डे को ही लॉन्च हो रहा है, जिसके बारे में मैं शायद आगे मैं थोड़ा और रिसर्च करूंगा और मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा. लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट. लेट मी नो आप पॉलीगॉन होल्डर हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर, गुड नाइट.